बहुत ही इंट्रीगिंग लग रहा है, बहुत एक्साइटिंग लग रहा है. तो मैं देखना चाहता हूँ कि कैसे तीन कहानियाँ मिलके एक एक कहानी बनती है और कैसे मज़ा आता है, देखना चाहता हूँ मैं. और बहुत कुछ अलग लग रहा है, इट्स अ न्यू थिंग. आई मीन बहुत टाइम से ऐसा देखा नहीं है, तो या आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट. हाँ, ट्रेलर में कुछ ज़्यादा समझ में नहीं आया, काफ़ी इसको मिस्ट्री रखा गया है इस चीज़ों को. तो वही अब देखते हैं कि क्या है, क्या निकलेगा, क्या उभर के निकलेगा, वो देखते हैं. गली बॉय शूट कर रहे हैं, आज डे ऑफ है और इसीलिए मतलब लकी इनफ कि आज डे ऑफ था तो मुझे देखने का मौका मिलेगा. और नहीं भी होता तो भी मैं जाके ज़रूर देखता ये फिल्म, क्योंकि मुझे काफ़ी मतलब ऐसी फिल्म में कुछ नया कुछ आ रहा है तो काफ़ी अच्छा लग रहा है, एक्साइटिंग लग रहा है जी. हाँ, इनसाइड एज टू शुरू कर रहे हैं मई में, तो गली बॉय ख़त्म होते ही इनसाइड एज टू में सीधे रैपिंग से सीधे बॉलिंग पे. हाँ, तो बस ये बैक टू बैक हो रहा है कुछ ना कुछ, तो अच्छा है, अब देखते हैं. फेबरवरी 2019 में रिलीज़ है गली बॉय, और पहली फिल्म है, काफ़ी एक्साइटेड हूँ मैं. कल की भी है उसमें अभी जो गई हैं यहाँ से, और मज़ा आने वाला. मतलब रणवीर है, जोया है, एक्सपीरियंस ही बहुत बड़ा है. इट्स ऑन अ वेरी बिग स्केल एंड यस, लुकिंग फॉरवर्ड टू गो बैक ऑन द सेट एंड शूट एंड रैप विद द गली गैंग. क्या बोलती पब्लिक. चलिए, थैंक यू सर. देश और विदेश की हर तरह की न्यूज को हिंदी में सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल लोकमत न्यूज हिंदी को सब्सक्राइब करना ना भूलें.